भगवान की बड़ी मंगलमयी कृपा, श्री बागेश्वर हनुमान जी के चरणों का प्रताप, सन्यासी बाबा की कृपा, सब संतों के चरणों का आशीर्वाद, बाबा नीम करोली वाले महाराज जी की छत्र छाया में हम लोग, उत्तर प्रदेश की धरती तो वैसे ही महान है, उसमें भी मुरादाबाद के पागलों का क्या कहना। मुरादाबाद जाना ही जाता है पीतल की नगरी के नाम से। यहां के पागल हमने तो आज नजारा देखा, ऐसा जानते हम पिछले साल ही आ जाते। आप लोगों का जो भाव और हमें यहां आकर के पता लगा, कोई हमसे कह रहा था, बोले गुरुजी आपका यहां आना बहुत जरूरी है। हमने कहा क्यों? बोले यहां धर्म विरोधी भी बहुत रहते हैं। तो बोले उनकी ठठरी कौन बारेगा? हमने कहा अब हम आ गए, अब हम ठठरी बारते रहेंगे। ऐसी पावन भूमि जहां महाकाली भगवती विराजमान, शीतला माता विराजमान, और इतना ही नहीं, यहां के सिद्ध बली श्री हनुमान जी का क्या कहना। श्री सिद्ध बली हनुमान जी मनोकामना पूर्ण करते हैं, ऐसे हनुमान जी की पावन नगरी है। एक यहां और पावन धाम है, हरिहर मंदिर। किसी कारणवश हरिहर मंदिर की पूजा तो बंद है, लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि भीतर से आवाज आती है। अब वो आवाज यहां तक भी आ गई, अब तो हम कहेंगे जल्दी से जल्दी उस मंदिर की पूजा भी प्रारंभ हो जानी चाहिए। जब अयोध्या में राम जी बैठ गए, काशी में नंदी भगवान निकल आए फोड़त भय, तो अब हरिहर मंदिर में भी अभिषेक और रुद्राभिषेक हो जाना चाहिए। ऐसी नगरी जहां श्री राम बालाजी धाम के सभी ट्रस्टों के सदस्यों ने, श्री विनीत गुप्ता जी लोहिया, उनके पूरे परिवार, चारों भाई, परिवार के सभी सदस्य और ट्रस्ट के लोगों ने कैंची धाम की तर्ज पर समूचे भारतवर्ष में हनुमान जी के नाम का बहुप्रचार करने वाले, हनुमान जी के ही अवतार अंश के रूप में जिन्हें जाना जाता है, ऐसे परम पूज्य श्री परमनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ संत श्री नीम करोली वाले बाबा जी का स्थान भी यहां बना है। ऐसा मुरादाबाद है, अब इसको मुरादाबाद कहना भी उचित नहीं है, हमें ऐसा लग रहा। अब किसी को बुरा लगे तो आई एम वेरी वेरी नॉट सॉरी। हमको ऐसा लग रहा जिस नगर में सिद्ध बली हनुमान मंदिर हो, हरिहर मंदिर हो, गढ़गंगा हो, शीतला माता मंदिर हो, कालका माता मंदिर हो, बैरनी शिव महाराज का मंदिर हो, नीम करोली बाबा का मंदिर हो, गंगा जी जहां प्रकट हुई हो, ऐसे मुरादाबाद कहने में इन मंदिरों की अवहेलना है। मुरादाबाद को माधव नगर कर देना चाहिए। हाँ, अब भारत में इतने नाम बदल गए, फैजाबाद अयोध्या हो गया, इलाहाबाद प्रयागराज हो गया, मुरादाबाद माधव नगर कर दिया जाए, कौन सा बड़ी बात है कि उपद्रव हो जाना है। पर माधव नगर लेने से कई लोगों के पेट में अपच हो जाएगी, और कई लोग हमको कल ही न्यूज में दिखाएंगे, ये भाई साहब लोग जो खड़े हैं ना, दांत निकाल रहे खीसा,
ये कल ही न्यूज में बाबा का विवादित बयान, मुरादाबाद का नाम बदलने की मांग, ये तुरंत कल न्यूज छापेंगे। बड़े महापुरुष हैं, लेकिन ये हमारा परिवार है। सच बताएं, इस भारत में लोकतंत्र है, इस भारत में चौथा स्तंभ मीडिया है, इसलिए आज भी गरीबों की आवाज और हमारे जैसे छोटे लोगों की आवाज बुलंद है, क्योंकि भारत का चौथा स्तंभ अभी जीवित है। तो पत्रकार महोदय हरो, अगर मुरादाबाद माधव नगर हो जाए तो कोई दिक्कत है? तुम्हें यहां करवा देने, हमारी तो जरूरत ही नहीं पड़ने, तुम्हें यहां बुल्डोजर चलवा देने। लोगों को लगेगा कि ये उपद्रव करने ही आते हैं। अब हम क्या बताएं, हमें हनुमान जी ने भेजा ही सच बोलने के लिए है, हमारे मुंह में टैप नहीं है। तो हमारा भाग्य है, सौभाग्य है कि हम मुरादाबाद उर्फ माधव नगर आए हैं, क्योंकि देखो भाई, हमें तो बड़ी अंदर से उद्विग्नता होती है ये नाम बोलने में। अब बुरा ना मानना, सबकी अपनी अपनी भावना होती है, हम बहुत स्पष्टवादी हैं। देखो, हम नफरत नहीं, हम प्रेम के आदि हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। हम किसी भी मजहब के विरोध में नहीं है, उनका सम्मान है, लेकिन हम अपने सनातन का सम्मान नहीं छोड़ेंगे, अपने सनातन का अपमान नहीं सहेंगे।